दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम बात करेंगे कि जब कोई विद्युतीय द्विध्रुव समरूप विद्युतीय क्षेत्र में होता है तो उस पर जो बलाघूर्ण लगता है उसी बलाघूर्ण का आज हम लोग व्यंजक निकालेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ दो टिप्स भी उससे जुड़ा हुआ आपको बताएंगे। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र लिया है। इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र को हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं और इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक विद्युतीय द्विध्रुव है। इस विद्युतीय द्विध्रुव का नाम है ए बी। यह विद्युतीय द्विध्रुव इस विद्युतीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। विद्युतीय द्विध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। जानते हैं कि कोई भी आवेश जब विद्युतीय क्षेत्र में होता है तो उस आवेश पर बल लगता है। और हमारा द्विध्रुव जो है दो आवेशों से मिलकर बना है, एक ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश। अतः इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा। आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगता है और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। यह सब चीज आपको बताया गया है। धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में तथा ऋण आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। और इस बल का सूत्र भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि बल बराबर आवेश गुने विद्युतीय क्षेत्र, F इज इक्वल टू QE। यहाँ भी F इज इक्वल टू QE। चाहे आवेश धनात्मक हो चाहे आवेश ऋणात्मक हो, दोनों स्थितियों में समान बल लगता है। केवल बल की दिशा बदल जाती है। धन आवेश की स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बल लग जाता है और ऋण आवेश की स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आप देख सकते हैं कि द्विध्रुव में दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, तो इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल आप देख सकते हैं, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा उसको हम लोग F1 से डिनोट करेंगे और प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा उसको F2 से। तो आप जानते हैं F1 इज इक्वल टू अपने आवेश गुने विद्युतीय क्षेत्र यानी Q इंटू E। लेकिन यह ऋण आवेश है इसलिए बल जो लगेगा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आप देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं दिशा, माइन वेक्टर E के विपरीत दिशा में। और इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। उसी तरह से आप देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल तो फिर इसी तरह से प्लस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल F2 होगा, F2 इज इक्वल टू आवेश गुने विद्युतीय क्षेत्र यानी F2 इज इक्वल टू QE। लेकिन धन आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगता है, तो वो दिशा भी हम यहां पर लिख देंगे वेक्टर E की दिशा में। इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड। आप देख सकते हैं कि समान परिमाण के धन और ऋण आवेश एक ही विद्युतीय क्षेत्र में हो तो दोनों पर समान बल लगता है लेकिन विपरीत दिशाओं में बल लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पर मैं उस बल को फिगर में भी दिखा देता हूं, माइनस क्यू पर जो बल लगेगा F1 वो इधर की ओर लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र उधर है और उसके विपरीत दिशा में ये F1 लगेगा। लेकिन प्लस क्यू पर जो बल लगेगा F2 वो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगेगा। ये F2 हो गया और ये F1 हो गया। अब जरा आप द्विध्रुव पर ध्यान देंगे कि एक बल F2 उधर लग रहा है और एक बल F1 इधर लग रहा है, यानी द्विध्रुव पर दो बल ऐसे लग रहे हैं जो कि परिमाण में तो समान है, दिशा में तो विपरीत हैं, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। आपने 11th में पढ़ा होगा बल युग्म। यदि किसी वस्तु या सिस्टम पर दो बल समान परिमाण में विपरीत दिशाओं में लगते हैं, उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तो वे दोनों बल बलयुग्म कहलाते हैं। और वैसे दो बल उस वस्तु या सिस्टम पर बलाघूर्ण आरोपित करते हैं। और उस बलाघूर्ण का सूत्र आपने 11th में पढ़ा होगा कि दोनों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों बल का परिमाण तो हमको मालूम है, लेकिन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? लंबवत दूरी निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा ज्यामिति करना पड़ेगा। यह जो ए बी दूरी है दोनों बलों के बीच, यह लंबवत दूरी नहीं है बल्कि यह एक तिरछी दूरी है। लंबवत दूरी के लिए आपको इस बल को स्लाइड करके या तो इधर लाना होगा या इस बल को स्लाइड करके इधर। तो देखिए हम यहाँ पे ज्यामिति करेंगे, इधर से हम डॉटेड लाइन लाएंगे और इधर से भी डॉटेड लाइन। और देखिए यहाँ पे सी हम लोग ले लिए और इस तरह से एक ट्रेंगिल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर ए सी बी।
और इस समकोण त्रिभुज में यह थीटा है तो संगत कोण से यह कोण भी थीटा हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी और बी में आप देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। आप जानते हैं कि बीसी मालूम नहीं है हमको और ए बी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, दोनों आवेशों का जो बीच का दूरी है उसको हम लोग 12 से डिनोट किए हुए हैं, तो बीसी बाई 12, तो देखिए बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, और इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लेंगे और इसको हम थर्ड मान लेंगे। हमने आपको समझाने के लिए पहले सेकंड बताया, फिर थर्ड बताया, फिर जाके फर्स्ट बताया, लेकिन जब आप एग्जाम में या कहीं भी लिखेंगे तो पहले आप फर्स्ट से लिखना शुरू करेंगे, तब सेकंड, तब थर्ड। मैं इसलिए आपको ये फर्स्ट हम लोग इसलिए निकाल कर रख लिए क्योंकि जब आप बलाघूर्ण निकालने चलेंगे तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लिखनी पड़ेगी। ए बी जो है तिरछी दूरी है, लंबवत दूरी ऐसे होगा, वो लंबवत दूरी कौन है बी सी, और इसीलिए उस लंबवत दूरी को हम लोग अभी ही निकाल कर रख लिए हैं क्योंकि जब बलाघूर्ण निकालना होगा तो वहां पे उस वैल्यू को हम लोग डालकर बलाघूर्ण निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो ये दोनों बल मिलकर इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण आरोपित करेंगे। इस तरह का आप लोग 11th में पढ़े होंगे। अगर यह वस्तु है F और F, देख सकते हैं समान बल है, विपरीत दिशाओं का बल है, दोनों अलग अलग क्रिया रेखा में काम कर रहा है, और तब ये दोनों बल मिलकर इस पर जो बलाघूर्ण आरोपित करेगा उसका फॉर्मूला आप 11th में पढ़े होंगे। बल दोनों में से किसी एक बल का परिमाण अगुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो कि d है, f इंटू डी। उसी तरह से यहां भी द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण बराबर लिखेंगे हम लोग। देखिए अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण बलाघूर्ण बराबर होगा दोनों में से किसी एक बल का परिमाण गुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। आप देख सकते हैं बलाघूर्ण को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, दोनों में से कोई एक बल F1 हो चाहे F2 हो, दोनों में से किसी एक बल को लिख दीजिए, किसी एक बल के परिमाण को लिखिए, और दोनों बलों के बीच की जो दूरी है वो तो AB है, लेकिन अगर लंबवत दूरी देखना हो तो वो AB नहीं है बल्कि BC है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग BC लिखेंगे लंबवत दूरी के जगह पे। F1 या F2 दोनों का परिमाण समान है, आप इक्वेशन सेकंड में देख लेंगे। F1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे QE, और इक्वेशन 1 में हम लोग निकाले थे BC इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। फिर देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा। इस 12 और Q को हम लोग एक साथ लिख दिए, और आप जानते हैं Q इंटू 12 को P कहा जाता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण उसको P से डिनोट करते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग P लिखेंगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा। तो tau इज इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि द्विध्रुव पर समरूप विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाला बलाघूर्ण का सूत्र हम लोगों ने स्थापित कर दिया है। आज से आप सीख गए कि किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का सूत्र होता है tau इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जहां पे P क्या है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, थीटा क्या है P और E के बीच का कोण है, P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो देखिए यहां पर जहां P इज इक्वल टू Q इंटू 12 और यह क्या है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहां पर देखिए इसको हम सदिश रूप में भी आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। tau इज इक्वल टू आप जानते हैं tau इज इक्वल टू हम लोग को आया है P साइन थीटा। आप जानते हैं कि किसी भी सदिश को अगर आप सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं तो उसके परिमाण में इकाई सदिश से गुना करना पड़ता है। तो देखिए इकाई सदिश हम एन कैप से जब ही गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर दे सकते हैं,
और आपने पढ़ा है 11th में कि a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा n कैप होता है, तो ab sin थीटा n कैप इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो उसी तरह से p sin थीटा n कैप इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। तो देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर p अक्रॉस वेक्टर e कितना बराबर, वेक्टर tau बराबर, इसको भी हम बॉक्स में घेर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण का हम लोगों ने सूत्र भी यहां पर निकाल दिया और सूत्र को सदिश रूप में भी लिख दिया, tau is equal to p sin theta and vector tau is equal to vector p cross vector e। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ टिप्स सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 1 पे। आप जानते हैं कि अगर विद्युतीय द्विध्रुव समरूप विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर e में हो तो उस पर बलाघूर्ण लगता है tau is equal to p sin theta, जहां पे थीटा जो है वेक्टर p और वेक्टर e के बीच का कोण है। अगर हम लोग बोलते हैं कि द्विध्रुव जो है विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, क्योंकि इस द्विध्रुव को क्वालिफाई करने वाला, इस द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का नाम है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यदि द्विध्रुव थीटा कोण पे होगा इसका मतलब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और वेक्टर ई के बीच का भी कोण थीटा होगा। तो ये हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे टिप नंबर 1 में हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर केस नंबर 1 और यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे केस 3। देखिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री, यहां पर जब थीटा बराबर 90 डिग्री और यहां पर जब थीटा बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं कि tau बराबर p sin थीटा है, थीटा के अलग अलग मान के लिए लगने वाला बलाघूर्ण का मान भी अलग अलग होगा। तो देखिए 0 डिग्री के लिए क्या होगा, tau इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin 0 is equal to PE, sin 0 0 होता है, is equal to हो जाएगा tau is equal to 0। उसी तरह से यहां पे देख सकते हैं tau is equal to हो जाएगा PE sin 90, PE into sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा PE। और यहां पे tau बराबर हो जाएगा PE sin 180 बराबर PE sin 180 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, tau is equal to 0। तो आप देख सकते हैं 3 केस हम लोग यहां पे पढ़े हैं। केस 1 में जब 0 वैल्यू है, वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण 0 हो उस समय भी बलाघूर्ण 0 है, और जब 180 है तब का बलाघूर्ण भी 0 है, लेकिन जब थीटा का वैल्यू 90 है उस समय बलाघूर्ण PE है। मैं आपको बता दूं यह बलाघूर्ण का सबसे महत्तम मान है, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, वो कब, जब थीटा कितना के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर। तो आपसे कोई बलाघूर्ण का सूत्र पूछे तो पी साइन थीटा, लेकिन महत्तम बलाघूर्ण का सूत्र पूछे तो वो होगा पीई, महत्तम बलाघूर्ण। रहा बात कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु या सिस्टम पर यदि बल अथवा बलाघूर्ण अगर 0 लगे तो वो वस्तु अथवा सिस्टम को साम्यावस्था में कहा जाता है। आप देख सकते हैं केस 1 और केस 3 दोनों स्थितियों में बलाघूर्ण 0 लग रहा है, तो यहां पर भी द्विध्रुव साम्यावस्था में होगा और वहां पर भी साम्यावस्था में होगा, लेकिन केस 1 में जो साम्यावस्था है उसको अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं और केस 3 में जो साम्यावस्था है इसको अस्थाई। क्यों अस्थाई और क्यों अस्थाई बोलते हैं ये मैं सिखाऊंगा, पहले मैं लिख दे रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई साम्यावस्था। और इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए क्यों अस्थाई और अस्थाई साम्यावस्था बोलते हैं, जैसे ये अगर काला वाला जो पेन है इसको मैं अगर विद्युतीय क्षेत्र बोलता हूं और ये उजला वाला को द्विध्रुव मानता हूं। आप देख सकते हैं यह विद्युतीय क्षेत्र है और यह द्विध्रुव है, अभी दोनों के बीच का कोण थीटा है, tau is equal to p sin थीटा, लेकिन अगर दोनों के बीच का कोण 0 हो जाए तो इसमें बलाघूर्ण कितना लगेगा, 0।
आप जानते हैं जीरो कोण जब हो दोनों के बीच का तो बलागुण जीरो होगा, यानी ये साम्यावस्था में। लेकिन जानते हैं अभी इस पे कोई बलागुण नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब ही इस द्विध्रुव को विस्थापित करेंगे घुमाकर, तो इसके बीच का कुछ ना कुछ कोण हो जाएगा, और जब कुछ ना कुछ इसके बीच कोण हो जाएगा तो इस पे बलागुण लगना शुरू हो जाएगा, और यह बलागुण इस द्विध्रुव को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और जिसके कारण द्विध्रुव घूमकर इसी के दिशा में आ जाएगा, यानी इसी साम्यावस्था में आ जाएगा। फिर अगर आप इसको थोड़ा भी विस्थापित कर दिए घुमा के, फिर बलागुण लेगा, फिर ये इसी जगह आ जाएगा। अगर आप घुमा के इसको नीचे भी ले गए तब भी ये बलागुण लेगा, इस पे देख सकते हैं। अगर आप इसको घुमा के नीचे ले गए, विद्युतीय क्षेत्र से नीचे की ओर घुमा के ले गए, तब भी इसके बीच कुछ कोण हो जाएगा, जिसके कारण इस द्विध्रुव पे बलागुण लगेगा और ये फिर घूमकर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। यानी द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण हमेशा उस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है, और जब ये हमेशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, यानी दोनों के बीच का कोण जीरो हो जाएगा, यानी यह साम्यावस्था में हो जाएगा। तो यह एक ऐसा साम्यावस्था है जिससे अगर आप इसको थोड़ा भी विस्थापित करेंगे तो फिर यह घूमकर उसी दिशा में आ जाएगा, इसलिए इस साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। लेकिन एक साम्यावस्था यह भी है, देख लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में है और द्विध्रुव इस दिशा में, दोनों के बीच का कोण 180 है, अभी भी इस पर बलागुण कितना लगेगा, देखिए 180 कोण है तो बलागुण जीरो लगेगा, यानी यह भी साम्यावस्था में है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा भी विस्थापित करके ऊपर की ओर या नीचे की ओर ले जाएंगे तो इस पे बलागुण जीरो लग रहा था, लेकिन अब कुछ ना कुछ बलागुण लगेगा, और वो बलागुण चाहेगा कि इसको फिर घुमाकर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में ला दे। यानी इस साम्यावस्था से, इस वाले साम्यावस्था से इसको विस्थापित इधर उधर कहीं भी आप करेंगे तो ये पुनः लौट कर इस साम्यावस्था में नहीं आएगा, बल्कि इस जीरो वाले कोण वाले साम्यावस्था में चला जाएगा। और यही कारण है कि 180 डिग्री के लिए जो साम्यावस्था है इसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। तो दोस्तों फिर अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे टिप नंबर टू। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर टू पे। आप जानते हैं कि अगर द्विध्रुव जो है समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में हो तो बलागुण कितना लगता है, आप देख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये बलागुण लगता है। लेकिन इस द्विध्रुव पर बल कितना लगता है, तो आप देख सकते हैं द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू आवेश पर भी बल क्यू ही लगता है, जो कि F1 हम लोग माने थे इक्वेशन सेकंड में, और प्लस क्यू पे बल लगता है क्यू ही, जो कि F2 माने थे हम लोग इक्वेशन थर्ड में। तो आप देख सकते हैं कि इस द्विध्रुव पर दो आवेशों के कारण दो बल F1 और F2 लग रहा है, जो कि परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। तो बताइए द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, देख सकते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, तो आप देखिए एफ नेट, क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशाओं में है इसलिए हम लोग लिखेंगे F1 माइनस F2, तो QE माइनस QE। तो आप देख सकते हैं कुल बल द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं जीरो। तो एक जानकारी यहां पे और आपको क्लियर हुआ कि किसी द्विध्रुव पर समरूप विद्युतीय क्षेत्र में बलागुण जो लगता है वो पी साइन थीटा होता है, लेकिन द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल जो होता है वो जीरो होता है। यानी जीरो कहने का मतलब कोई बल उस पे नहीं लगता है, नेट बल जीरो होने का मतलब। एक जानकारी मैं और आपको दूं कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे साम्यावस्था दो तरह का आपको बताया गया होगा, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम दो तरह का, एक बताया गया होगा स्थानांतरित इक्विलिब्रियम, स्थानांतरित साम्यावस्था, और दूसरा है घूर्णी साम्यावस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। आपको 11th में बताया गया होगा कि स्थानांतरित साम्यावस्था में होने के लिए किसी वस्तु या सिस्टम पे लगने वाला कुल बल जो है शून्य होना चाहिए। उसी तरह से बताया गया होगा कि घूर्णी साम्यावस्था में होने के लिए किसी वस्तु या सिस्टम पे लगने वाला कुल बलागुण जीरो होना चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि द्विध्रुव जो कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में होता है वो आप देख सकते हैं कौन से साम्यावस्था में होता है, आप देख सकते हैं द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल जीरो होता है लेकिन बलागुण जीरो नहीं होता है। इसलिए कोई भी द्विध्रुव किसी भी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हमेशा देख सकते हैं बल जीरो है, इसलिए कौन से साम्यावस्था में होता है, स्थानांतरित साम्यावस्था में होता है।
स्थानांतरित साम्यावस्था में होता है, लेकिन घूर्णी साम्यावस्था में नहीं होता है, बशर्ते कि कोण 0 के बराबर नहीं हो और कोण 180 के बराबर नहीं हो। अगर ये दोनों कंडीशन मेंटेन हो तो वो घूर्णी साम्यावस्था में नहीं होगा, लेकिन स्थानांतरित साम्यावस्था में होगा। कोई भी कोण हो स्थानांतरित साम्यावस्था में निश्चित रूप से होगा, लेकिन घूर्णी साम्यावस्था में तभी होगा जब कोण 0 हो अथवा 180 हो, जो कि इससे पहले वाले केस में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन कोण यदि 0 या 180 नहीं हो तो वह घूर्णी साम्यावस्था में नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको एक बार कंक्लूड कर दूं कि कोई भी द्विध्रुव समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हमेशा स्थानांतरित साम्यावस्था में होता है, लेकिन घूर्णी साम्यावस्था में नहीं होता है, बशर्ते कि कोण जो हो 0 या 180 के बराबर नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।